हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्त अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज के वीडियो में मैं आपको है ना 16 का टेबल है ना उसका शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपने इससे पहले 12 13 14 का अगर आपने टेबल देख लिया है तो सेम उसी तरीके का ट्रिक है। और लगभग मेरे ख्याल से 17 और 18 का जो टेबल है और जो 19 का टेबल है लगभग वो भी सेम ही है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको 16 का भी बताऊंगा, 17 का भी बताऊंगा, 18 का भी बताऊंगा और 19 का भी टेबल करके बताऊंगा, ताकि जो मेरा 20 तक का जो टेबल का सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, के बाद मैं दूसरा मैच के दूसरे फॉर्मूलेस आपको बताऊंगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बताया है कि यहाँ पे ये 1 से लेकर 10 तक की आपको गिनती ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको 16 का टेबल बनाना है तो 6 का टेबल आपको बनाना पड़ेगा, अगर आपको 14 का बनाना है तो 4 का टेबल आपको लेना पड़ेगा, अगर आपको 12 का टेबल बनाना है तो आपको 2 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 16 का टेबल है तो मैं यहाँ पे 6 का टेबल लिख दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल से आप देख सकते हो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 बराबर 6 7 47 फिर 48 54 60 ये 6 का टेबल मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख लिया है। उसका शॉर्टकट ट्रिक सिंपल से यही है, इन दोनों को क्या करना है, सिंपल सा मर्ज कर देना है। वह 1 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पता है 12 का जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 और 2 मिला के कितना होता है, 12 होता है बराबर है। तो ये 12 का जो 1 है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, ये 2 के साथ में ना आपको प्लस कर देना है। और बचा हुआ 12 का जो 2 है, यहाँ पे देखिए ये 12 का जो 2 है, तो उसको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा, जो भी प्लस करने पर आंसर आता है, तो उसको उसके साथ में मर्ज करना है। जैसे 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए बराबर। और ये बचा हुआ जो 2 है उसके साथ में इसको क्या करना है, मर्ज कर देना है, तो 32 हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तीसरे का भी इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि ये 3 हो गया और 18 का 1 हो गया, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। और बचा हुआ 18 का जो 8 है वो इसमें क्या करना है, आपको मर्ज कर देना है, यानी कि 48 हो गए। यानी कि 16 1 16 16 2 32 16 3 48। फिर उसके बाद वापस से इसी तरीके से 24 का 2 है, उसके साथ में क्या करना है, ये 4 को क्या करना है, प्लस कर देना है, 4 और 2 6 हो गए। और उसके बाद बचा हुआ 24 का जो 4 है वो इसके साथ में मर्ज कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा 64 आ जाएगा। ठीक है, 16 4 64। उसी तरीके से ये वाला भी है 5, इसी तरीके से ये वाला भी है 5 + 3, यानी कि 30 का 3 क्या हो गया, उसके 5 के साथ में क्या करना है, आपको 5 के साथ में इसको प्लस करना है। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। और प्लस यहाँ पे जो 30 का जो 0 है वो इसके साथ में मर्ज कर देना है, यानी कि 8080। इसी तरीके से सारी चीज़ को आपको क्या करना है, प्लस करके मर्ज करना है। चलिए अभी मैं फटाफट कर देता हूँ। जैसे कि 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और प्लस इसका बचा हुआ 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरीके से 7 और 4 11, और बचा हुआ 2 यहाँ पे मर्ज कर देंगे। इसी तरीके से 8 और 4 कितना हो गया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, 8 और 4 12 हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ 8 है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 9 और 5 कितना हो गया, 40 हो गया। उसके बाद बचा हुआ 4 आपको यहाँ पे लिख देना है, 144 हो गया। इसी तरीके से 10 और यहाँ पे 60 का 6 कितना हो गया, 60 हो गया। और बचा हुआ जो 0 है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 16 का टेबल भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है, तो 16 का टेबल आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई ने बोला करने का तो करने का। इससे पहले मैंने 12 13 14 और 15 का भी टेबल बनाया, 15 का टेबल बिल्कुल तो दोस्तों 15 का जो टेबल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको जरूर देखना आप जाके, ठीक है। लिंक सारा का सारा प्लेलिस्ट ही बना दिया है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज ही मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा 17 के टेबल का, ठीक है। तो उससे मैं जो जब अपलोड करूंगा ना, खाली आप चेक करना है कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं अपलोड तो करूंगा, 1-1.5 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा, बट आप क्या कीजिए, 17 का जो टेबल है वो भी बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा वीडियो देख के उसको मैच करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।